पीएचडी स्कॉलर्स जो इंडिया के रिसर्च एंड इनोवेशन का मेन फैक्टर है, मेन पार्ट है और इंडिया को ही आगे ले जाने में हेल्प करते हैं, उन्हें आज कैंपेन्स चलाने पड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं उनका स्टाइपेंड इंक्रीज करवाने के लिए। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन स्कॉलर्स का स्टाइपेंड वही 2018 के लिविंग स्टैंडर्ड पर अटका हुआ है। लास्ट टाइम 2018 में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, तब 2019 में स्टाइपेंड को इंक्रीज किया गया था, वो भी सिर्फ 24-25% से, जबकि डिमांड उस टाइम पर थी 50-60% इंक्रीज की। और कुछ यूनिवर्सिटीज में स्टाइपेंड का यही नहीं पता कि स्टाइपेंड कितने महीने बाद आएगा, तो स्टूडेंट्स अपने आप को रिसर्च में कैसे इन्वॉल्व करेंगे। एक JNU रिसर्च स्कॉलर का कहना है, आई एम रिसीविंग CSIR JRF फेलोशिप एंड इट डज नॉट कम ऑन ए रेगुलर बेसिस, समटाइम्स इट टेक्स 2 months एंड समटाइम इट टेक्स अप टू 6-7 months, वी नीड स्टाइपेंड एट द एंड ऑफ द मंथ ऑन ए फिक्स्ड डेट। We say that we don't have the quality of research and innovation in India. अगर अच्छी रिसर्च करनी है तो हमें बाहर जाना पड़ेगा। ऐसी सोच हम तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम खुद क्वालिटी लेकर नहीं आते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। एक इंडियन स्टूडेंट जो जर्मन रिसर्च सेंटर में रिसर्च करते हैं, उनका कहना है, आई डिड नॉट हैव द मनी टू परस्यू माई स्टडीज इन इंडिया, सो आई हैड टू गो टू PhD इन जर्मनी। एंड अनदर स्टूडेंट फ्रॉम फ्रे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन said that I want to do research and we don't have the good opportunities for job after PhD in India, so I am here in Berlin. सबको पता है कि अगर हमारी कंट्री को ग्रो करना है तो हमें रिसर्च और इनोवेशन को उस लेवल पर ले जाना होगा। हम दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते नई इनोवेशंस के लिए, नई रिसर्च के लिए। अदरवाइज कुछ दिनों में ऐसा होगा, कुछ ईयर्स में, कि लोग जो अच्छे माइंड्स हैं हमारे वो बाहर जाने लग जाएंगे रिसर्च के लिए और हमारे पास सिर्फ डॉक्टर रह जाएगा नाम के आगे लगाने के लिए। डेटा हमें दिखाता है कि इंडिया वर्ल्ड में 4th रैंकिंग पर स्टैंड करता है PhD प्रोडक्शन पर ईयर में। 24,000 प्लस स्कॉलर्स पर ईयर प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन वो 4 या 5 या 6 साल PhD के स्कॉलर्स को लिविंग वेज भी प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है। हमारे यूथ का सिर्फ 25-30% हिस्सा ही हायर एजुकेशन को परस्यू करना चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि 6 साल अगर मैं PhD करूंगा और उसके बाद मैं जॉब करूंगा, उससे अच्छे जॉब्स तो मेरे पास पहले ही अवेलेबल है। The spending on R&D is lower than 1% of the overall spending in India. तभी तो रिसर्च पर स्टूडेंट्स का फोकस होगा जब उन्हें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की टेंशन नहीं होगी। ज्यादातर रिसर्च स्कॉलर 24-25 प्लस एज के होते हैं, तो उन्हें अपने फैमिली के फाइनेंशियल बैकग्राउंड का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो स्टाइपेंड आता है एक तो इनफ नहीं होता, दूसरा इरेगुलर वे में आता है, तो बच्चों को स्टूडेंट्स को उधार लेना पड़ता है अपने फ्रेंड्स से अपना खर्चा निकालने के लिए। जैसे इस IIT रुड़की की स्टूडेंट का कहना है कि हमारा स्टाइपेंड रेगुलर नहीं आता है और फीस हमारी इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन स्टाइपेंड वहीं पर अटके पड़े हैं, इसलिए आई हैव टू बोरो मनी फ्रॉम माई फ्रेंड्स। और हम एज ए इंस्टीट्यूट और एज ए कंट्री ये चाहते हैं कि वो क्वालिटी रिसर्च प्रोवाइड करे, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करे, वर्कशॉप अटेंड करे, लेकिन ये एक इरेगुलर और लिमिटेड स्टाइपेंड से कैसे मैनेज किया जा सकता है। इस IIT दिल्ली स्टूडेंट का कहना है, अवर 2 months स्टाइपेंड इज इक्वल टू अवर सेमेस्टर फीस, so we don't have enough left for our own survival. Student of our age are doing jobs and if we have interest in research then our families and us are suffering from this. और लैब्स में अगर देखें तो कोई मेडिकल इंश्योरेंस या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है, और लैब्स में ऐसे कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं तो स्टूडेंट के ही फेलोशिप से उसको काट लिया जाता है और फेलोशिप भी नहीं मिल पाती है स्टूडेंट को। कोई स्पेसिफिक हॉलीडे नहीं होता है, हमेशा ओवरवर्क करना पड़ता है और डेडलाइंस का इतना प्रेशर होता है कि वीकेंड्स पे भी बहुत काम करना पड़ता है रिसर्च स्कॉलर्स को। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि आजकल इंडियन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जैसे IITs में भी सुसाइड के केस देखने को मिल रहे हैं। और अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो एक इंडियन PhD स्कॉलर से पहले फॉरेन कंट्रीज से PhD जैसे USA या फिर जर्मनी से PhD करने वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इंडियन PhD होल्डर्स को इंडिया में ही रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। 1/3 ऑफ PhDs को डिसेंट जॉब भी नहीं मिल पाता है। गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में जॉब्स को इंक्रीज किया जाना चाहिए, तो एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जानी चाहिए जो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट का पता करती है और इन्फ्लेशन रेट और अदर फैक्टर्स को देखते हुए स्टाइपेंड को एनुअली इंक्रीज करती है। एंड वी नीड टू अलॉट मोर बजट टू रिसर्च एंड इनोवेशन बिकॉज दिस इज द मेन फैक्टर इन द कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले ऐसे ही फ्यूचर वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।